नाज़रीन सलामुन अलैकुम, एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न टू में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो को इतना चाहा, इसीलिए हम वापस लेकर आए हैं सीज़न टू। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सीज़न टू में भी हम ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करें जिसमें आपकी दिलचस्पी तो ज़्यादा है मगर मालूमात कम है। ऐसा ही एक टॉपिक है चेस्ट फिजियोथेरेपी। हमारे पिछले सीज़न में हमने डिस्कस किया था फिजियोथेरेपी के बारे में और हमने जाना था कि फिजियोथेरेपी से आप अपनी पीठ की तकलीफ, अपने पैर की तकलीफ या फिर पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट सर्जरी, वो सब तकलीफ़ें आप कैसे कम कर सकते हैं। इस सीज़न में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में और आज इस टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए प्लीज़ वेलकम बैक डॉक्टर समाना सैयद। डॉक्टर समाना सैयद एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने चेस्ट फिजियोथेरेपी में मास्टर्स किया है। ये पिछले 5 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं, साथ ही साथ ये एक सीनियर कंसल्टेंट है द क्लिनिक इंटरनेशनल और अपोलो क्लिनिक में। डॉक्टर समाना सैयद कृष्णाई हॉस्पिटल, जो नवी मुंबई का एक हॉस्पिटल है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। तो प्लीज़ वेलकम ऑन द शो डॉक्टर समाना सैयद। समाना सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो समाना, सब में पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि चेस्ट फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या होता है? फिजियोथेरेपी में जैसे और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं और उनके ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमने लास्ट सीजन में उसके बारे में बात की थी, जैसे न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स, देन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, प्रेगनेंसी में उसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, देन मस्कुलोस्केलेटल में या ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में, वैसे ही उसका एक ब्रांच है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी और या तो आप उसको कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी भी बोल सकते हैं। सो इसमें यूजुअली जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कार्डियक और लंग के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट में असिस्ट करते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट, लंग आपके फेफड़ों की बीमारी। तो इनमें कार्डियक या लंग की जो भी माइनर से लेके मेजर तक के जो भी बीमारियां होती हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि अगर आप हार्ट पेशेंट्स ले लें तो माइनर एंजियोप्लास्टी से लेके या एक सीवियर बाईपास सर्जरी तक, या तो अगर हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं। सिमिलरली अगर आप कोई लंग डिजीज़ ले लें तो लंग डिजीज़ में जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा या कोई लंग सर्जरी या कोई भी ऐसी कंडीशन, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स जो लंग्स के होते हैं, ये सारे कंडीशंस में फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करता है। जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, उनका एक बहुत ही अहम रोल होता है जो जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तब से लेके जब तक कि पेशेंट अपना एक रूटीन, अपने नॉर्मल ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब रिज्यूम नहीं कर लेता है तब तक के वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लाइक सपोज अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बाईपास सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप जब सर्जिकल इंसिशंस होते हैं, जब उनकी सर्जरी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सर्जरी में एनेस्थीजिया प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट को दिया जाता है उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे आपका कफ रिफ्लेक्स, आपके वेंटिलेशन रिड्यूस हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली कोई भी सर्जरी, अभी अगर आप कार्डियक हटा के नॉर्मल सर्जरीज की भी बात करें, उसमें भी कोई भी सर्जरी का सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है कफ प्रोडक्शन, जिसमें अगेन फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका चेस्ट क्लियरेंस के लिए आफ्टर द सर्जरी। सिमिलरली बाईपास सर्जरी के बाद आप अगर पेशेंट को इमीजिएटली आप बोल दें कि आप जाके नॉर्मली घर पे जाइए डिस्चार्ज होने के बाद, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करिए, तो आपको श्योर नहीं है कि आपका हार्ट इतना लोड ले पाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे रिहैबिलिटेटिव टीम का ये इंपॉर्टेंस होता है कि हम पेशेंट को आईसीयू में ही या वार्ड में ही जब तक वो रहते हैं हॉस्पिटल स्टे तक के, उनको असेस करके देखते हैं कि वो कितना लोड ले सकते हैं। जैसे कि उनको अंडर एक कंट्रोल्ड सुपरवाइज्ड कंडीशन में उनको चलाना, उनका पूरा वाइटल जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, सब कुछ ऑब्जर्व करके वो कितना चल पा रहे हैं, कितना उनकी बॉडी लोड ले पा रही है, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे उनका प्रोग्रेशन करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी कंडीशन जैसे लंग सर्जरीज होती है, उसमें भी वी ट्राई टू सी कि पेशेंट कितना लोड ले सकता है ताकि घर जाने के बाद उनको नॉर्मल एक्टिविटी परस्यू करने में ज़्यादा एफर्ट ना लगे। सो ये एक होता है पार्ट रिहैबिलिटेशन का जो हॉस्पिटल के अंदर होता है। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट जो होता है रिहैबिलिटेशन, वो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें पेशेंट यूजुअली फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से आफ्टर 1 वीक और 10 डेज ऑफ द सर्जरी या कोई भी जो भी कंडीशन, जैसे अगर हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो, उसके बाद वो ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं
एंड देन दीज पेशेंट्स को हम प्रॉपरली एक उनका फंक्शनल असेसमेंट करके कि उनकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या टाइप की एक्टिविटी करते थे, अभी उनका प्रेजेंट हार्ट रेट, उनका ब्रेथलेसनेस, दमा जो भी उनको हो रहा है वो किस लेवल पर है, इसके हिसाब से हम उनके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं. हम उनको जैसे आप एक नॉर्मल इंसान जिम में जाके अपने मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही हम उनके हार्ट और लंग्स को ट्रेन करते हैं. अगर आप इंटरनेशनली देखें तो पीपल इवन कॉल इट एज कार्डियक जिम. तो हम आपके हार्ट को, आपके लंग्स को इतना ट्रेन करते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी एक्टिविटीज़, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन सब कुछ परस्यू कर सके. जो नॉर्मली एक हार्ट पेशेंट या लंग पेशेंट बहुत ही हेजिटेट करता है करने में, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड महसूस करने लगता है. जैसे अगर आपको एस्थमा है तो आप दमे की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप 10 बार सोचते हैं करने से पहले कि अगर मुझे अटैक आ गया तो ये सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली पेशेंट को ट्रेन करते हैं. हम उनको वेट ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको ट्रेडमिल पे चलाते हैं, आप साइकिलिंग अगर लो हम साइकिलिंग कराते हैं, देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन के अंदर होती है, जिसमें हम आपका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका ब्रेथलेसनेस लेवल, आपके सांस की कब चढ़ना शुरू होती है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए उसके साथ सुपरविजन के साथ आपको ट्रेनिंग कराते हैं. सो दैट इज़ द एंटायर आइडिया कार्डियक एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का. तो समाना, अक्सर हम अगर ये सोचते हैं कि जब भी कोई मेजर सर्जरी हो स्पेशली, तो उसके बाद कोई भी प्रोसीजर हमें नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा हो जाए कि हम सर्जरी के बाद, अगर जैसे आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, और पेशेंट को अगर अटैक आ गया या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो इसकी सेफ्टी कितनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी कितना सेफ है? सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हॉस्पिटल सेटअप में तो सारी अवेलेबिलिटी होती है, तो इसके लिए वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि इमिजिएटली इमरजेंसी CPR या वट एवर वी नीडेड इज़ ऑलवेज अवेलेबल ओवर देयर. सिमिलरली जो OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर का, वो भी अंडर सुपरविजन ही होता है. वहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, CPR टीम एंड सारी फैसिलिटीज़ टू कीप ऑन आपके जो वाइटल्स को जो हम मेजर कंटिन्यूसली कर सके, उसकी सारी फैसिलिटीज़ होती है. प्लस जो हमारी टीम होती है रिहैबिलिटेशन की, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन, टेक्नीशियंस, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, काउंसलर सब मौजूद रहते हैं. तो इसके लिए इमरजेंसी इश्यूज़ को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है. एंड सेकेंड थिंग, जो हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी रखते हैं वो हम फंक्शनल असेसमेंट पे रखते हैं. अच्छा. जैसे अगर आप कोई कार्डियक पेशेंट है तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जिससे हम एक पेशेंट का टारगेट हार्ट रेट फाइंड करते हैं और विद इन दैट इंटेंसिटी ही हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं. मतलब तो यूजुअली आप मतलब ये बोलने की कोशिश करें कि अगर ये हर एक के लिए सेम नहीं होता है, नहीं, अगर किसी का टॉलरेंस लेवल कम है तो फिर उसे कम एक्सरसाइजेस दी जाती है. पूरा असेसमेंट के डिपेंड करता है एंड ये बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि हम विद इन सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल बना के ही उसमें एक्सरसाइजेस कराते हैं, पूरी ट्रेनिंग कराते हैं. सो देयर इज नो सेफ्टी इश्यूज एज सच इन दिस थिंग. ओके, मगर जैसे आपने बताया सेफ्टी इशू नहीं है, मगर इसके फ़ायदे बहुत सारे होंगे. जी, इसके फ़ायदे क्या हैं अल्टीमेटली, कि अगर आप एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट को या किसी चेस्ट केस को देख लें जिनको एस्थमा का इशू हो, ब्रेथलेसनेस हो, COPD स्मोकर्स को जो होता है बहुत ही कॉमनली, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटोरिएट हो जाती है. उनका ऑक्यूपेशनल इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने जॉब को परस्यू नहीं कर पाते हैं या एक हमेशा एक डर रहता है. प्लस उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है. अदर देन दैट, अगर आप कोई भी चेस्ट केसेस को देखें या तो अगर आप कोई हार्ट केसेस को देखें, उसमें जो उनके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, क्योंकि एंटायरली इज़ ओवर हियर, तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे उनका जो दमा की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. अदर देन दैट, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने के वजह से, जो ज़्यादातर लंग केसेस में होता है, तो जो जैसे बॉडी के जो बाकी मसल्स होते हैं वो भी हाइपोक्सिया के वजह से, ऑक्सीजन की कमी के वजह से बॉडी में वो भी कमज़ोर होने लगते हैं. तो इसके वजह से जो हमारा जो रिहैबिलिटेशन है वो एंटायरली पूरा हेड टू टो आपके हर एक डिमांड्स को फोकस करता है. हम आपके ब्रीदिंग पैटर्न को बेटर करते हैं, हम आपको आपके चेस्ट एक्सपेंशन को बेटर करने में हेल्प करते हैं, हम आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो अगेन आपके ब्रेथलेसनेस या सांस चढ़ने की तकलीफ को कंट्रोल रखता है. प्लस आपके पूरे बॉडी के मसल्स को आपको ट्रेन करते हैं, आपकी फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. जैसे अगर आप पहले 5 मिनट चल सकते थे तो आप 15 मिनट कैसे चलना शुरू कर सकते हैं. समाना, आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो एक्सरसाइजेस कराती हैं वो ना सिर्फ चेस्ट के लिए बल्कि पूरी बॉडी को फ़ायदा देती है. इससे आप ना सिर्फ पोस्ट सर्जरी जल्दी रिकवर करते हैं, मगर जो आपके ख्याल है, जैसे अभी हम काम पर नहीं जा सकते या फिर हम चल फिर नहीं सकते, तो वो सब भी बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है. हो सकता है चेस्ट फिजियो करने के बाद
आप काम पर जल्दी जा सके, आप अपनी वर्क लाइफ के ऊपर जल्दी रिज्यूम कर सके, इनफैक्ट आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है वो आप जल्दी और अच्छे से बेहतर तरीके से जी सके, तो फिर देखा जाएगा तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के एक्चुअली काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जी बेशक इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को रिवर्स तो नहीं कर सकता है, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और मे बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। समाना, जब हम चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली आपने जैसे बताया इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं, बट आजकल हम सुनते हैं हम योगा कर रहे हैं तो योगा में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही होते हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी योगा के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेज में? सो देखिए, योगा इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को करना चाहिए, वो आपके आपको हेल्दी रखता है, उसके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी आपके वेंटिलेशन को मेनटेन एंड इम्प्रूव रखते हैं। लेकिन जब आपको कोई चेस्ट कंडीशन होती है, जैसे अभी हम लंग के मेनली आप लंग कंडीशंस के लिए जो करते हैं, सो जैसे अभी आप लंग कंडीशंस का एग्जांपल ले लीजिए, फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारियों के दो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जिसमें आपके जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं क्योंकि आपके जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती है, तो धीरे धीरे आपके फेफड़े फूलने लगते हैं। दूसरा जो कंडीशन है उसमें आप जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज हम बोलते हैं लंग्स की, उसमें आपके फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ जाते हैं, तो उससे आपका ब्रीदिंग इन या ब्रीदिंग आउट जो एक्सपेंशन होता है, रिलैक्सेशन, वो प्रॉपर नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी जिसे पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स भी कहा जाता है, एक जिसमें आप सांस लेते हैं मगर ब्लड तक वो सांस पहुंचती नहीं है, और दूसरे जिसमें आप सांस ही नहीं ले पाते। जी, तो अभी समझिए अगर आपकी लंग्स ऑलरेडी फूली हुई हैं और आप उसके अंदर ब्रीद इन कर करके उसको और फुला रहे, तो कोई सेंस बनता है? राइट, अगर आप ब्लड में ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रहा है, तो हमें बेसिकली आपके एक्सपिरेशन पे, मतलब आपके सांस आप कितना बाहर फ्लो कर पा रहे हैं, आपके लंग को एम्प्टी करने पे ज़्यादा फोकस करना है। सिमिलरली दूसरे कंडीशन में आपके लिए सांस लेना भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना सांस बाहर निकालना भी, तो कितना होल्ड्स लेना है आपको, सांस अंदर लेते टाइम सांस रोकनी है कि नहीं, और प्लस आपके लिए ब्रीदिंग आउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग इन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम फिजियोथेरेपिस्ट फोकस्ड करते हैं एंड पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं उनके एक्सरेज, उनके कंडीशंस को देख के, एंड उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं। योगा में आपके लिए जनरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है सबके लिए, उसमें चाहे आपको कोई भी कंडीशन हो नहीं हो, इट डज दे डोंट डिफ्रेंशिएट विद दैट थिंग, सो इट इज़ गुड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट अगर आपको कोई बीमारी है तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। यस, तो नाजरीन हमने अभी समझा है कि हाँ डेफिनेटली योगा आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मगर अगर आपको कोई बीमारी है जैसे अस्थमा, COPD या ऐसी भी कोई बीमारी जिसमें या तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस छोड़ने में, ये इवैल्यूएशन आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करके बताएगा आपके डॉक्टर के साथ, और वो आपको बताएंगे कि आपके कंडीशन के लिए, आपकी बीमारी के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा बेनिफिशियल है। समाना, अक्सर हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद या फिर कोई बीमारी की वजह से छाती में बलगम जमा हो जाता है, और उसके लिए जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज दी जाती है, ये एग्जैक्टली क्या है आप हमें बता सकते हैं और ये कहाँ तक इसका फ़ायदेमंद होता है? जी, तो जैसे अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके चेस्ट में कफ भरा रहता है या बलगम भरा रहता है, अभी आपके जो फेफड़े हैं उसके अलग अलग रीजन्स में कफ भर जाता है जिसको आप डायरेक्टली नॉर्मल खांसी के साथ नहीं निकाल पाते हैं। ICU में जो स्पेशली जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं उनके अगर आप उनका अगर आपने चेस्ट क्लियर नहीं किया या उनके बलगम अगर चेस्ट में रह जाता है सर्जरी के बाद यूजुअली, तो उनका वेंटिलेटर पे डिपेंडेंसी बढ़ती है और ज़्यादा टाइम तक के वो वेंटिलेटर पे रहते हैं। यानी जो पेशेंट्स वेंटिलेटर के ऊपर रहते हैं सर्जरी के बाद, डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं उनके ऊपर भी आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी करके बलगम निकालना पड़ता है, उनके उसमें अगर आप चेस्ट फिजियोथेरेपी फॉरन स्टार्ट कर देते हैं तो उनका जो वीन ऑफ जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटर से या वेंटिलेटर से बाहर उनका आने की स्पीड ऑफ रिकवरी ज़्यादा हो जाती है, मतलब इट इज़ लाइक बेटर कि अगर आप ऐसे पेशेंट्स में इमीजिएटली स्टार्ट कर सकें, ऑफकोर्स आपके सर्जन के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। सो हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसको ड्रेन करने के लिए, सो वी हैव क्लैपिंग जैसे आप जो कह रहे थे, टैपिंग, वाइब्रेशंस जो मैनुअली करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो वेंटिलेटेड और नॉन वेंटिलेटेड पेशेंट्स पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लटर, एक्यूपेला, चेस्ट वाइब्रेटर्स, जिससे उनके लंग्स को हम जितना जल्दी चाहे क्लियर कर सकें। एंड इससे क्या होता है कि उनका हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, उनका कफ भी कम होता है, प्लस उनको जो सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो भी कम होती है, एंड ओवरऑल रिकवरी स्पीडी हो जाती है। तो नाजरीन अगर आपने देखा हो कि कोई हॉस्पिटल में है और अगर दिन में दो बार कोई डॉक्टर आ रहा है उनकी मदद करने के लिए, उनकी खांसी निकालने के लिए, तो वो हो रहा है चेस्ट फिजियो, जैसे डॉक्टर समाना ने बताया, अगर ये जल्दी किया जाता है तो फिर उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी और हो सकता है वेंटिलेटर से वो जल्दी बाहर आ जाए। तो नाजरीन इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद
हम आपके पूछे हुए सवाल डॉक्टर समाना से पूछेंगे जवाब हासिल करने के लिए। तो आप देखते रहिए एक मुलाकात डॉक्टर के साथ।